कल दिनांक 15/9/2019 को मुखबिर की सूचना पर नई बस्ती में अशोक मौर्य के घर में अवैध पटाखा रखने की सूचना लक्सा पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर हम लोग दबिश दिए वहाँ पे। तो उनके घर से रोहित मौर्य पुत्र दिनेश मौर्य, जो पटाखे के कार्टून लेकर अंदर रख रहा था, पूछा गया तो बताया कि दीपावली आने वाली है और हम लोग जो है दीपावली से पहले खरीद के सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, बाद में उसको जो है अच्छे दामों पर बेचते हैं। लाइसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सका। फिर घर की तलाशी ली गई तो कुल 6 कार्टून में 1 क्विंटल 63 किलो पटाखे बरामद हुए और उसी कमरे में 1 कार्टून में हिरन और उसकी 12 सिंघा की सींगें और 4 शंख, जो कि विधिक रूप से लीगल है, उनको नहीं रखना चाहिए घर में, रखा हुआ मिला। उसके बारे में पूछा गया तो कुछ नहीं बता सके। उस सामानों को कब्जे में ले करके और उसको गिरफ्तार किया गया रोहित मौर्य को, और पूछताछ में उसने बताया कि उसके साथ एक नरेंद्र सेठ पुत्र गोपाल सेठ भी काम करता था, जो कि मौके से फरार हो गया था। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कितने का माल होगा? कुल कीमत अनुमानित लगभग 95 लाख की है पूरा पटाखा और वो मिला करके। शंख का पटाखा जी? नहीं, सींग और पटाखा। शंख का तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है।